हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो। तो गाइस, मेरा नाम है विनाश और आज की वीडियो में बात करने वाले द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक ऑफ माय चैनल, हाउ टू कन्वर्ट jarvis.py इनटू jarvis.exe। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, सिंस आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो इन जार्विस, तब से लेके अब तक जितनी भी वीडियोज आई हैं आप हर वीडियो उठा के देख लो, आपको हर वीडियो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन 101% मिल जाएगा कि आप एक पाइथन फाइल को एक्सी फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक पाइथन फाइल को एक्सी फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने गेम को एक्सी फाइल में कन्वर्ट करके दिखाया था, बट शायद कुछ लोगों को बात समझ नहीं आई, इसलिए वो अब भी कमेंट कर रहे हैं और मुझे लगा कि अब इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहिए कि आप जार्विस को कैसे एक्सी में कन्वर्ट करोगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम हैं चैनल पे, शायद उनको भी कुछ बातें समझ ना आ रही हो, तो लेट मी क्लियर फर्स्ट फ्यू थिंग्स। हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम जार्विस था, जो कि बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जो कि करता क्या है, हमारे प्री डिफाइंड टास्क को जो हमने पहले से डिफाइंड करके जिनको कमांड दे रखी है हमने, उन टास्क को परफॉर्म करता है। अब बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो लाइक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, ये बेसिकली करते क्या है, जो हम इन्हें टास्क बोलते हैं ये वो परफॉर्म करते हैं। तो वैसा ही सिमिलर प्रोजेक्ट हमने एक पाइथन की हेल्प से बनाया था। अब गाइस जितने भी अब तक हमने फंक्शन ऐड किए हैं, लाइक बहुत सारे फंक्शन ऐड किए हैं, कैमरा कंट्रोल करना, जार्विस में सिस्टम बेस्ड टास्क परफॉर्म करना, स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हो, वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हो, उसके बाद GUI, लाइव GUI, आई एम द फर्स्ट वन ऑन YouTube जिसने एक लाइव GUI बनाई थी जार्विस के लिए। आप पूरी YouTube पे चले जाओ, आपको कहीं भी लाइव GUI वाला ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट चैनल जिसपे लाइव GUI के बारे में अपलोड हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट वीडियो की, जिसमें मैंने आपको एक ML का कंसेप्ट सिखाया जिसमें आप बेसिकली कह सकते हो सैंपल जनरेट कर सकते हो, मॉडल को ट्रेन कर सकते हो और अपना फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने अब तक जितनी भी समझाई हैं वो सारी लाइन बाय लाइन समझाई हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अगर अब तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों मिल जाएगा, कहीं पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो प्लेलिस्ट और अपना जार्विस प्रोजेक्ट बना सकते हो। गाइस बात करते हैं EXE फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है। इन केस आप अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर कॉलेज में सबमिट करना चाहते हो, तो गाइस अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते किसी को कि भाई तू पहले पाइथन इंस्टॉल कर, उसके बाद ये मॉड्यूल इंस्टॉल करिए और उसके बाद मैं तुझे कोड दूंगा, देन यू कैन रन दिस प्रोजेक्ट। इतना नहीं कोई करेगा आपके लिए, आपको सिंपली एक सेटअप देना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक EXE फाइल की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कैसे आप बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट की EXE फाइल। और सिर्फ जार्विस के नहीं, आप किसी भी पाइथन फाइल की EXE फाइल बना के अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो जिनके पास इंटरप्रेटर नहीं भी होगा पाइथन का, जिन्होंने पाइथन डाउनलोड नहीं भी किया, वो भी इस चीज़ को रन कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ आपको बेसिकली करना क्या है। तो गाइस मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसे आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हो तो आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। आपको सबसे पहले CMD ओपन करना है और यहाँ पे आपको पाई इंस्टॉलर मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है pip install pi installer। कैसे आपको सिंपली एज इट इज़ लिखना है और उसके बाद एंटर हिट कर देना है। जैसे आप एंटर हिट करते हो आपका मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। जब आपका डाउनलोड होगा तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा टाइम आपको देना होगा इस प्रोसेस के लिए। अब जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है मॉड्यूल, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपका जार्विस पड़ा है। अब गाइस देखो, मैं आपको सिंपली जार्विस का जो बेसिक कोड था उसको पाइथन फाइल में, मतलब उसको EXE फाइल में कन्वर्ट करके दिखा सकता था, वो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, जहाँ आपका पाथ होता है वहाँ पे जाके आपको CMD टाइप करना है। जैसे आप यहाँ इस डायरेक्टरी में ओपन हो जाते हो, कमांड प्रॉम्प्ट कर लेते हो, इसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है विच इज़ pi installer एंड देन स्पेस, उसके बाद आपको देना है फाइल नेम। तो एक सेकेंड, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर सपोज आप यहाँ पे फाइल नेम देते हो तो होगा क्या, कंप्लीट उसके बाद जो आपका है वो जितनी भी फाइल्स बनेंगी वो एक फोल्डर के अंदर बनेंगी, लेकिन हम एक फोल्डर नहीं बनाना चाहते, हम सिंपल एक EXE फाइल बनाना चाहते हैं जिसको हम किसी को भी दे सकें। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, one file --one file स्पेस देके आपको अब लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नेम, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो लाइक इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको सिर्फ जार्विस ही बनाना है, मे बी आपने कोई और नेम रखा हो अपने प्रोजेक्ट का, और सिंपली आपको एंटर हिट कर देना है। अब गाइस देखो, ये टाइम लेगा 101% टाइम लेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जितना बड़ा आपका फाइल का साइज़ होगा, जितने ज़्यादा आपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए होंगे, उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और एक काम करते हैं, जब तक वो उधर मॉड्यूल बन रहा है तो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ
क्योंकि टाइम लगेगा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो कि सीरियसली ह्यूज डिफरेंस दिखाएगी आपको कि पाइथन के बाद होता क्या बेसिकली। तो ठीक है, वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है, जावास की एक सी फाइल बन चुकी है। अब आपको इसे सिंपली मिनिमाइज कर देने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ करता हूँ, इस चीज़ को आपको मैं कोड को एक बार रन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा, तो मेरे को समझाने में आसानी होगी। एक काम करते हैं, इसको वीएस कोड की हेल्प से ओपन कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा कि बेसिकली इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो उसके बाद जब मैं आपको exe फाइल रन करके दिखाऊंगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि लाइक मैंने कोई और फाइल नहीं की या फिर पहले से फाइल नहीं थी, ऐसा कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड ठीक है, ये हमारा कोड यहाँ पे इंपोर्ट हो गया वीएस कोड में। एंड इसके बाद देख इसको रन करना है हमें सिंपली, तो एक सेकेंड। ठीक है, हमारी एक्सटेंशन होगी स्टार्ट एंड सिंपली अब इसे रन कर सकते हैं हम। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, तो जैसे मैंने इसको रन किया यहाँ पे हमारे टर्मिनल आ गया है। और टर्मिनल के बाद आपका सिंपली जब ये प्रोजेक्ट रन होता है तो बेसिकली हमारी जीयूआई विंडो आ जाएगी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ताकि जब आप ये प्रोजेक्ट किसी कॉलेज में या फिर अपने किसी फ्रेंड को देते हो तो उसको ऐसा कुछ कोड रन करने की जरूरत ना पड़े, उसको सिंपली जीयूआई मिलेगी जब वो रन करेगा exe फाइल को। तो यहाँ पे हमारी आ गई है exe फाइल, कुछ ऐसी होगी। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा जाकर सिंपली वैसे वर्क करेगा जैसे पहले वर्क करता था। I am online, sir. Please tell me how may I help you? तो लाइक कोई भी कमांड आप दे सकते हो, लाइक ओपन नोट पैड। तो मैंने इसे नोट पैड ओपन करने को बोला, देखते हैं ये नोट पैड ओपन करते हैं सी। तो लाइक कुछ भी आप करवा सकते हो, सिस्टम बेस्ड टास्क को या कुछ भी। तो अभी के लिए मैं इसे वीएस कोड को क्लोज कर देता हूँ कम्प्लीटली, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे आपकी जब आपने exe फाइल में कन्वर्ट किया, मतलब आपने जब ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास तीन फाइल्स मिलती हैं एक्स्ट्रा। पहली jarvis.spec, दूसरा आपको एक मिलेगा फोल्डर डिस्ट और एक मिलेगा बिल्ड। आपको सिंपली जाना है डिस्ट फोल्डर में, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल मिलेगी विच इज़ exe फाइल। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। आपने जो jarvis प्रोजेक्ट बनाया था वो था सिर्फ 22 KB का, लेकिन जब हम यहाँ पे जाते हैं हम जो फाइल देखते हैं विच इज़ वेरी ह्यूज, अप्रोक्सीमेटली मतलब 142 MB की। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है 22 KB में और 142 MB में। अब आप लोग सोच रहे हो यार इतना क्यों डिफरेंस, लाइक देखो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया जो आपकी फ़ाइल थी, जो आपने यहाँ पे jarvis की फ़ाइल बनाई थी, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, मैं आपको इसकी हेल्प से ओपन करके दिखा देता हूँ, तो मेरे को अभी समझाने में आसानी होगी। एंड इसमें होता क्या है, ये जितने भी मॉड्यूल्स आपने इंपोर्ट किए हैं ये तो आपने सिंपली इंपोर्ट कर लिए, ये आपके पास ऑलरेडी पाइथन सेटअप में थे। बट जब आप किसी और को दे रहे हो तो आपके पास वो सेटअप नहीं है, वो करेगा क्या, बेसिकली exe फाइल जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको इस फाइल में कंबाइन करेगा, देन आप ये फाइल एग्जैक्टली यही फाइल सारे काम करेगी। जो आपके यहाँ पे मॉड्यूल्स काम कर रहे थे वो ये फाइल अकेला काम करेगी, तो ऑब्वियसली इसका साइज़ बहुत बड़ा होगा उन फाइल्स के कंपेरिजन में। अब इसमें टाइम लगा, अगर आप छोटे साइज़ का jarvis बनाए, मतलब आपके अगर jarvis का साइज़ कम है, कम मॉड्यूल्स हैं, तो बहुत जल्दी फाइल बन जाएगी। और अगर अब मैं आपको इसे रन करके दिखाऊं, लाइक मुझे यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, वीएस कोड नहीं चाहिए मुझे, कोई एडिटर कंपाइलर कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा मैं और आपका jarvis रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टर्मिनल आ गया है। और हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम इस exe को किसी को भी दोगे ना तो ये कुछ टाइम लेगी, जब वो सिस्टम में कुछ बार चल जाएगी लाइक एक या दो बार, उसके बाद इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब नॉर्मल एक किसी भी ऐप की तरह ये वर्क करेगी। और जितना बड़ा साइज़ होगा, मतलब जितना बड़ा आपका एप्लीकेशन का साइज़ होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ऑब्वियस थिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मेन विंडो आ गई है, सिंपली से रन करते हैं, सेम वर्क कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आप देखते हो लाइफ टाइम एंड डेट चल रही है, तो लाइक अब मैं कुछ भी बोलता हूँ, लाइक ओपन नोट पैड, तो इसको मैंने बोला ओपन नोट पैड, देखते हैं नोट पैड ओपन होता है या नहीं। सी नोट पैड ओपन हो गया। अब आपने किसी को ये अगर दिया तो उसको करना क्या है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ रन और एग्जिट का ऑप्शन है, सिंपली वो एग्जिट पे क्लिक करेगा, एप्लीकेशन क्लोज, दैट्स ऑल कि आप jarvis को exe में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो समझ आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, एम करते 1000 लाइक का, मैंने अब तक इतना बड़ा एम किसी भी वीडियो में नहीं रखा। और हाँ गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन दूंगा। अगर ज़्यादा लोगों को सेम प्रॉब्लम आई तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि सबको आसानी हो जाए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।